तो फाइनली गाइस थर्ड व्लॉग का सेकंड पार्ट आ चुका है। अगर आपने इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे हमारे इस व्लॉग में। लो भाई लोकेशन चेक करो हमारी, जा रहे हैं फार्म हाउस पे अपने दोस्त के। ये देखो रास्ता, ओहो चेक करो भाई, ये देखो फार्म हाउस, चेक करो जी, ये अपनी दूसरी गाड़ी, आओ भाई जी, ये आगे लोकेशन अपनी, चेक करो जी भाई अपना फार्म हाउस, लो जी देखो चेक करो, ये देखो यार नहीं, एक नंबर लोकेशन भाई साहब, ये लो जी ये लो, लो भाई चेक करो गाइस। लो जी भाइयों, ये अपना एंजॉय करते हुए सब फन अपना, ये देखो ये हुक्के की तैयारी होती हुई, ये फ्लेवर वाला हो गया, ये वैसा हो गया, ये भाई भी जाना और इन भाई का, ये अपना यहाँ पे फार्म हाउस पे सेवा के लिए हैं भाई लोग, ये अपने भाई हैं, बाकी ये अपना हुक्के की तैयारी हो रही है सब है। बाकी व्यू देखो भाइयों ज़बरदस्त, ये देखो ये अपनी गड़िया वगैरह लग गया है, ये अपने भाई सब एंजॉय ले रहे हैं, सब एंजॉय ले रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ हरा माउस जैसा भी है अपना, ये अपना हो गया है गाड़ी के लिए, बाकी यहाँ गाड़ी उधर खड़ी है तो यहाँ पे चरपाइये वगैरह हैं। बाकी मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, ये मतलब भाइयों एक नंबर व्यू है, आप खुश हो जाओगे, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, देखो भाइयों ये ज़बरदस्त वाटा ब्यूटी, बड़ा ब्यूटी देखो क्या जबरदस्त है। ये अपने अमन भाई, ये सब लगे हुए हैं हुक्के में, लगे हुए हैं सारे भाई, और अपना ये सब फुल एंजॉय ले रहे हैं, मतलब लॉकडाउन में आके एक अलग ही सुकून मिला है, और ये मतलब हम आपके लिए लाए हैं ये व्लॉग। बाकी अपना मतलब भाइयों हमारा ऐसा कोई ये नहीं था कि हम वो करें उसमें लॉकडाउन में, बाकी इसमें क्या था, ये अपना ही है तो उस करके हम यहाँ पे आ गए, मतलब अपनी पर्सनल है लोगों का, तो उस करके आए हैं। ये देखो ज़बरदस्त अल्टीमेट ये भाई आते हुए, ये सब भाई नीचे गांव से आ रहे हैं, मतलब इन लोगों का यहाँ सहयोग है। ये देखो मैं आपको सारा घुमाऊँगा अल्टीमेट, ये देखो ज़बरदस्त एक नंबर, यो है अपना भाई देसी हुक्का, और यो है अपना इंग्लिश हुक्का, ये भाइयों ने तैयार कर लिया है, सब भाइयों का चिल मोड ऑन है, एक नंबर मजा आ गया, मजा ये घूम रहे सब भाई, फिरोज भाई अपनी मस्ती में भाई, मतलब नज़ारा मतलब जबरदस्त अंदर से है कि आपका मन खुश हो जाएगा। ये यहाँ पे एक बेडरूम, मतलब एक बेड सेट ये है, अपने इसके साथ एक और अटैच बेडरूम हो गया, इसके साथ अटैच बाथरूम हो गया, मतलब सारी सुख सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, बहुत बढ़िया चीज है, मजा आ जाएगा आपको देख ऐसा, पार्क भी बना रखा है, ये देखो ये एक छोटा सा पार्क भी है, मतलब हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। बाकी मैं आपको तो मैं उधर दिखाता हूँ, ये अपना अमन भाई, ये चिल मोड ऑन है सबका, ये हमारे लिए कुछ तैयारी हो रही है, मतलब ये भाई सेवा के लिए, मतलब यहाँ पार्क की सुविधा भी है, अपना क्या नाम, आम भी है कच्चे, मतलब कच्चे आम भी है, लेकिन हमें खाने का मूड नहीं है क्योंकि ये काम किसी और के होते हैं जो कच्चे आम खाते हैं। बाकी नज़ारा पूरा आ रहा है, अहमद भाई भी आने वाले हैं फाइनली, जिनका फार्म है, हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे, कलीम भाई भी आ रहे हैं, और बाकी सब आपने देख लिया है, और हम बाकी हम आपको इधर जो भी होगा जैसा भी होगा जैसा हम आगे चलेंगे आपको सब दिखा देंगे, दिक्कत ना लो, इनसे फोन ले। बाकी अब ये बाग भी है एक, ये भी इसी फार्म हाउस का हिस्सा है, हर चीज़ है भाई जी, हर चीज़ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, ये देखो आम का मतलब इतना जबरदस्त बाग है, क्यों मन भाई भाई बहुत नहीं है, ये देखो भाई आम, ये देखो आम, मतलब
जन्नत ही जन्नत। ये हमने अपने सुख चैन के लिए बनवा रखा चैन के लिए बनवा रखा है। शहर से तंग आ जाते हैं तो यहाँ आना चाहिए। मतलब भाई वो मतलब ये फार्म अपने भाई का ही है, जब हमें लगता है कि हमें अब सुख शांति में जाना है, चिल मोड ऑन करना है, तो हम यहाँ पे आते हैं। ये फाइनली आ गए हैं अपने भाई लोग। बड़ी देर बाद पहुंचे, इनका बड़ी देर से इंतजार हो रहा था भाइयों का, सभी का बड़े बड़े भाई अब पहुंचे, इंतजार बहुत देर से हो रहा था इन भाइयों का। पहुंच गए भाई, पहुंच गए सब फाइनली। मतलब लोकेशन बता रहे हैं हम आपको, हम नगली गांव में हैं और ये हमारे सरपंच साहब जी का फार्म हाउस है, अहमद साहब इनका नाम है। और ये हमारे सरपंच साहब हैं, अहमद नाम है इनका। ये हमारे बड़े भाईजान हैं और ये सब इन्हें जानते हैं हमारी फैमिली के लोग। और ये सागर भाई है, एक नंबर। ये भी नए भाई हैं, नया फेस देखने को मिला, ये तो बस इन्हें आप जानते हो। ये भी नए हैं भाई, ये अपने हुसैन भाई हैं, इन्हें जानते ही हो आप हर्षव जगी को। ये अपने रवि भाई हैं, आबिद भाई हैं। हाय, सोनू भाई। ये मैं था जो वीडियो में बोल रहा था अभी। और ये भाई की हार ले है सरपंच साहब की, ये एग्जॉस्ट लगा रखा है, देखो कितना लाउड एग्जॉस्ट है। और ये सरपंच साहब की हार ले थी और वो स्कॉर्पियो खड़ी और 5-6 गाड़ियां घर खड़ी, मतलब कलेक्शन का बहुत ज्यादा शौक है सरपंच साहब को। बहुत बड़ी गाड़ियां खड़ी, सब भाई पूरे मजे ले रहे, नजारा आ रहा पूरा। ये चिल मोड ऑन है जी, ये लगा लो पहाड़ों की गोद में, हैशटैग हम चारों तरफ पहाड़ है और बीच में फार्म हाउस है, तो ये लगा लो पूरा मजा आ गया। हम बहुत देर से आए लेकिन सरपंच साहब ये 7:30 बजे आए। क्या ये डॉग लवर है, इधर कुत्ते बहुत। तो भाई फाइनली लग गया सब खाने के लिए। तो फाइनली भाई डिनर कर चुके हैं सरपंच साहब, एक नंबर खाना था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक नंबर मजा आ गया। जिन भाइयों ने बनाया था उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अब टहलने के लिए जा रहे हैं झील के पास, तो थोड़ी देर में मिलते हैं बस आपको। तो हम जा रहे हैं ट्रैकिंग में, जंगल में हम स्टैम और कुछ पता नहीं कितना मजा आ जाए, डर भी लग रहा है। पूरा जंगल बना वे यूपी के, बट चिल करना भाई। देखो कुछ नहीं दिख रहा, वो वाटर क्रॉसिंग है, बहुत वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, चलो भाई चलो आराम से भाई, आराम से देख के वीडियो बनाओ। चलो 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 चलो, ट्रैकिंग चल रही है नाइट में। चल भाई, मतलब चारों तरफ घुप अंधेरा, ये सैर करके वापस आ गए हैं। अब जाने का टाइम हो गया है। बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, बहुत सेवा करी भाई ने। ओके भाई, अब हम जा रहे हैं घर। सागर भाई, सागर भाई, भाई मन खुश हो गया, जैसे बोलते हैं ना दिल बाग बाग, वो चीज हो गई। बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया। तो रास्ता भूल चुके थे हम, वो एक गाड़ी वो बैक हो गई और एक एरी, और अब हम ये बैक कर रहे हैं, ये रास्ता भूल गए थे। मतलब रात को अंधेरा हो रहा था और सारा एक जैसा ही था, तो रास्ते में थोड़ी वो हो गई थी, तो हम गाड़ियाँ बैक कर रहे हैं। मतलब
को रात के पूरे 12 बज रहे हैं और हम अपने घर आ चुके हैं। ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है, सब भाई आ गए हैं, देख लो उन एंजॉय करो भाई, पूरे मजे आए। तो भाई अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा हो आपको तो आप कमेंट में जरूर बताना, अगर कोई कमी रह गई हो वो भी बताना। आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे ही ब्लॉग लाते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, बाय बाय, गुड बाय।